हेलो एवरीवन, चलिए हम अपनी एचएस लक्ष्य 2020 सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एचपीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी वाज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिफोर मर्जर विद हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है हिमाचल में मर्ज होने से पहले डलहौजी किसका पार्ट था। तो ऑप्शंस है हमारे पास, ए फिरोजपुर, बी गुरदासपुर, सी होशियारपुर एंड डी किरतपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी गुरदासपुर। ये माना जाता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल नेपियर ने इसको डिस्कवर किया था चंबा वैली में, और लॉर्ड डलहौजी के नाम पे इसका नेम रखा गया था। और ये पहले गुरदासपुर का पार्ट था और बाद में ये एचपी का पार्ट बन गया था 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ट्राइब इज लिविंग अलोंग चंद्रभागा इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है लाहौल स्पीति में चंद्रभागा के अलोंग कौन सी ट्राइब रहती है। ऑप्शंस है स्वांगला, गड्डी, कुल्लू खाम्पा, न्योंडी खाम्पा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्वांगला ट्राइब। स्वांगला ट्राइब जो है वो लाहौल स्पीति में चंद्रभागा ट्रैक के अलोंग पट्टन वैली में रहती है, और इसमें स्वांगला ट्राइब में ब्राह्मण एंड राजपूत दोनों इंक्लूडेड है। तो कौन सी ट्राइब रहती है चंद्रभागा रिवर के अलोंग लाहौल स्पीति में। आंसर इज स्वांगला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिल्ट द लक्ष्मी नारायण टेम्पल इन चंबा टाउन। आपको बताना है लक्ष्मी नारायण टेम्पल किसने बनवाया था जो चंबा टाउन में है। ऑप्शंस है भूरी सिंह, साहिल वर्मन, मेरू वर्मन, मुशान वर्मन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी साहिल वर्मन। साहिल वर्मन ने इसे 10th century AD में बनवाया था, और ये इसका जो स्टाइल है वो शिखर टाइप स्टाइल से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेशनल प्रोग्राम लॉन्च्ड ऑन October 10, 2019 बाय इंडियन गवर्नमेंट टू एनकरेज टैलेंटेड चिल्ड्रन टू एनरिच देयर स्किल्स इज। आपको बताना है जो गवर्नमेंट ने October 10, 2019 को एक प्रोग्राम लॉन्च किया था किसके लिए, एनकरेज करने के लिए टैलेंटेड चिल्ड्रन को और उनके स्किल्स को एनरिच करने के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है वो कौन सा है। ए इज लक्ष्य, बी इज प्रतिभा, सी इज ध्रुव, डी इज परिवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ध्रुव। और इसे ध्रुव प्रोग्राम को क्या बोला जाता है, प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम। और इसे स्टार्ट किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम है आइडेंटिफाई करना और एनकरेज करना टैलेंटेड चिल्ड्रन को, ताकि वो अपनी स्किल और नॉलेज को एनरिच कर पाए। और इसमें क्या होगा, जो टैलेंटेड चिल्ड्रंस होंगे उन्हें रिनॉर्ड एक्सपर्ट्स के थ्रू डिफरेंट एरियाज में मेंटर एंड नर्चर किया जाएगा, ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल पर पहुंच पाए। और इस प्रोग्राम का नाम किसके नाम पे रखा गया है, पोल स्टार ध्रुव तारा के नाम पे इसका नाम ध्रुव रखा गया है। एंड ये जो ध्रुव प्रोग्राम है ये कवर करेगा दो एरियाज, साइंस एंड आर्ट्स। और इसे इसरो सेंटर से लॉन्च किया गया था, और इसके अंडर क्लास 9 टू क्लास 12 के अराउंड 60 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था। तो ध्रुव प्रोग्राम क्या है, एनकरेज करना टैलेंटेड चिल्ड्रन को, ताकि उनके स्किल्स एंड नॉलेज को एनरिच किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द 2019 नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वॉज गिवन टू अ वुमेन फॉर द सेकेंड टाइम। नेम द फर्स्ट वुमेन Who was earlier awarded this prize? 2019 का जो नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स था वो एक वुमेन को गया था सेकेंड टाइम। तो आपको बताना है कि फर्स्ट वुमेन कौन थी जिसे कि नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स मिला था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी एलिनर ऑस्ट्रम। ये एक अमेरिकन पोलिटिकल इकोनॉमिस्ट थी,
और इन्हें नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स मिला था इन 2009 में। और जो 2019 का नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स मिला है वो मिला है एस्थर डुफ्लो को, और ये फ्रेंच अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। तो अगर आपको 2019 के प्राइस के बारे में पूछते हैं तो आंसर होगा एस्थर डुफ्लो, और अगर आपको पूछते हैं फर्स्ट वुमेन कौन थी जिसको कि नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स मिला था तो आंसर होगा एलिना रॉस्ट्रम। तो ये भी याद रखना है कि टोटल ओनली 2 वुमेन को नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर, आपको बताना है इंडिया ने लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी अचीव करने का एम कौन से ईयर में रखा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2030। फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कितनी देर तक हमारा एम है कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी लेके आना है 2030 तक। इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि दे विल रिस्टोर डिग्रेडेड लैंड फ्रॉम 21 मिलियन हेक्टेयर टू 26 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सॉफ्ट बबल। अगर सॉफ्ट बबल के ऊपर कुछ चार्ज रख दिया जाता है तो क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है इट्स रेडियस इंक्रीजेस। अगर सॉफ्ट बबल के ऊपर चार्ज रखते हैं तो उसकी रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। क्या होता है जब एक्सटर्नल चार्ज को सरफेस ऑफ बबल पे रखा जाता है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ बबल। बबल के पूरे सरफेस के ऊपर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जो चार्ज है वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने से क्या होगा, एक्सपेंशन होगी सॉफ्ट बबल की, और जब एक्सपेंशन होगी तो उससे क्या होगा, रेडियस इंक्रीज करेगी। तो जब भी सॉफ्ट बबल के ऊपर कुछ चार्ज रखा जाता है तो क्या होता है, उसकी रेडियस इंक्रीज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। वन साइड आपको सब चांसेस दिए हुए हैं, दूसरी साइड उनके यूजेस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका यूज बताया गया आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। सेकंड इज सिल्वर आयोडाइड, इसका यूज बताया आर्टिफिशियल रेन। सी इज लिथियम बाइकार्बोनेट एंड इट्स यूज इज ट्रीटमेंट ऑफ र्यूमेटिज्म। एंड डी इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड एसिड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो एज एंटी एसिड यूज होता है, दिस इज करेक्ट। सी इज लिथियम बाइकार्बोनेट, जिसको कि ट्रीटमेंट ऑफ र्यूमेटिज्म में यूज करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। र्यूमेटिज्म एक डिसीज है जिसमें कि जॉइंट पेन्स वगैरह होती है। डी इज सिल्वर आयोडाइड, जो कि आर्टिफिशियल रेन में यूज होता है। लेकिन जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में नहीं यूज किया जाता। सिल्वर ब्रोमाइड का जो बेसिक यूज है उसको हम यूज करते हैं फोटोग्राफी में, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज इन द फोटोग्राफी। इसका ये जो यूज है सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है, ये 10th के एनसीईआरटी में भी मिल जाता है। तो अगर हम आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस की बात करें तो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में जो फोटोनिक एनर्जी होती है उसे केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। किसके थ्रू, बाय यूजिंग सम सेमीकंडक्टर लाइक टाइटेनियम ऑक्साइड। तो इसमें आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में सिल्वर ब्रोमाइड यूज नहीं होता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। स्कीम्स दी हुई है और उनके एम भी हुए हैं। ए इज उदय स्कीम। उदय स्कीम किसके लिए, इम्प्रूविंग फाइनेंसेस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। यस इट इज करेक्ट, उदय स्कीम स्टार्ट की गई है इम्प्रूव करने के लिए फाइनेंसेस किसके, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के। बी इज हृदय स्कीम किसके लिए, प्रिजर्विंग एंड रिवाइटलाइजिंग हेरिटेज सिटी। यस इसमें हेरिटेज सिटीज को दोबारा से रिवाइटलाइज किया जाएगा और प्रिजर्व करके रखा जाएगा। सी इज अमृत, अमृत किसके लिए है, टू इम्प्रूव द बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सिटीज। यस इट्स अगेन करेक्ट। एंड लास्ट वन इज स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन इट्स नॉट ओनली फॉर द ड्रिंकिंग वाटर,
स्वच्छ भारत मिशन को हम क्या कहते हैं, क्लीन इंडिया मिशन भी कहते हैं, जिसमें कि एलिमिनेट किया जाएगा ओपन डेफिकेशन को और इम्प्रूव किया जाएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन अर्बन एंड द रूरल एरियाज इन इंडिया। तो ये जो एम इसमें दिया हुआ है स्कीम का, स्वच्छ भारत मिशन का, ये इनकरेक्ट है। सो हमने क्या पूछा था, नॉट करेक्टली मैच पूछा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, स्वच्छ भारत मिशन, जो कि किसके साथ रिलेट किया हुआ है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2019 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। आपको बताना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इशू की जाती है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स दिया जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक है वो है 115, दैट इज ऑप्शन बी। इंडिया का जो स्कोर है वो इम्प्रूव हुआ है 57 से 60 हो गया है, और जो प्रोग्रेस हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हुई है गोल 3, 6, 7, 9 and 11 में। तो इंडिया का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2019 है कितना है, 115। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैंक एंड इंडिसेस पे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने याद रखना है कि इंडिया का रैंक कितना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। वन साइड पे ग्रीन हाउस गैसेस दी हुई है और दूसरी साइड पे उनके सोर्सेज दिए हुए हैं, तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट है या नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया हुआ है थर्मल पावर स्टेशंस के साथ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऑटोमोबाइल्स, नाइट्रस ऑक्साइड वाटरलॉग पैडी फील्ड्स, सल्फर डाइऑक्साइड ब्रिक किल्न्स। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो थर्मल पावर स्टेशन से प्रोड्यूस होती है, ये करेक्ट है। सेकेंड इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज सीएफसी, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सीएफसी का जो मोस्ट कॉमन सोर्स है वो है रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, ग्रोइंग एजेंट्स इन फॉर्म्स, इंसुलेशंस एंड पैकिंग मटेरियल्स, प्रोपेलेंट्स इन एरोसॉल्स, कैंस एटसेट्रा। तो दिस स्टेटमेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल के साथ जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, यस ये करेक्ट है, वाटरलॉग पैडी फील्ड से इसका सोर्स है। और ब्रिक किल्न्स जो है मिस सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो नॉट करेक्टली मैच कौन सा है, सीएफसी, जिसे ऑटोमोबाइल के साथ मैच किया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नीचे आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट्स दिए गए हैं और कौन सी क्रॉप में यूज होते हैं उनके साथ मैच किया गया, आपको बताना है कि नॉट करेक्टली मैच कौन सा है। ब्लू ग्रीन एल्गे को यूज करते हैं पैडी में, दिस इज करेक्ट। बी इज राइजोबियम लेगुमिनिसरम पी टॉप में, यस अगेन दिस इज करेक्ट। सी इज एजोटोबैक्टर वीट में, ये भी करेक्ट है। डी इज एजोला, जिसे मेज के साथ मैच किया गया है, तो दिस वन इज इनकरेक्ट, बिकॉज जो एजोला है उसे पैडी फील्ड्स में यूज करते हैं। एजोला को इनकॉर्पोरेट किया जाता है इनटू द सॉइल या तो बिफोर राइस ट्रांसप्लांटिंग या फिर ग्रोन एज अ ड्यूअल क्रॉप अलोंग विद द राइस। तो इसका करेक्ट आंसर जो एजोला के साथ मैच होगा वो पैडी होगा, ना कि मेज होगा। एजोला जो होता है वो बहुत ही यूनिक होता है, इसका म्यूचुअली बेनिफिशियल सिम्बायोटिक रिलेशन होता है विद ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसका नेम है एनाबेना। और ये जो एजोला है उसे सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ लाइफ स्टॉक फीड में यूज होता है, और ये रिच होता है प्रोटीन, एसेंशियल एमिनो एसिड, विटामिन एंड मिनरल्स में। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी, एजोला, जिसे कि मैच किया गया है मेज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश द इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल को कौन एस्टैब्लिश कर सकता है, ऑप्शंस है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। नेशनल इंटरेस्ट के लिए प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल को एस्टैब्लिश कर सकता है। इंटर स्टेट काउंसिल को एस्टैब्लिश करने के लिए कौन से आर्टिकल में है, इट इज इन आर्टिकल 263। इन दिस देयर इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल टू इफेक्ट
कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, स्टेट्स एंड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। इंटर स्टेट काउंसिल किस लिए बनाई जाती है, स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए या फिर सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कराने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल का एस्टैब्लिश किया जाता है। तो आपको इसके रिलेशन में आर्टिकल 263 याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is not correctly matched? First is policy cut motion. इसको match किया गया है। Budget demand be reduced 2 rupees 1. B is economy cut motion. Budget demand be reduced by a specified amount. C token cut motion. Budget demand be reduced 2 rupees 100. Money bill article 110. तो पॉलिसी कट मोशन में लिखा है बजट डिमांड भी रिड्यूस 2 rupees 1, मींस पॉलिसी को पसंद नहीं किया गया और डिमांड की गई है किसे किस में रिड्यूस कर दिया जाए 2 rupees 1. यस दिस इज करेक्ट। सेकंड इज इकोनॉमी कट मोशन और इसको मैच किया गया है बजट डिमांड भी रिड्यूस बाय अ स्पेसिफाइड अमाउंट। यस ये भी करेक्ट है। इकोनॉमी कट मोशन रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमी दैट कैन बी अफेक्टेड इन द प्रपोज एक्सपेंडिचर, तो इसे एक स्पेसिफाइड अमाउंट से रिड्यूस करने की डिमांड की जाती है, तो ये भी करेक्ट है। सी इज टोकन कट मोशन, बजट डिमांड बी रिड्यूस्ड टू 100 rupees. दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज बजट डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय आना चाहिए बाय 100 rupees. तो टोकन कट मोशन में क्या होता है, बजट डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय 100 rupees. तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। डी इज मनी बिल आर्टिकल 110 जो इससे डील करता है, ये करेक्ट है। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी टोकन कट मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनश्राइंड इन द 3rd schedule ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd schedule में क्या क्या लिखा गया है, क्योंकि हमें करेक्ट आंसर चूज करने हैं। तो जो 3rd schedule है वो किससे रिलेटेड है, ऑथ एंड अफर्मेशंस। किस किस की होती है इसमें, यूनियन मिनिस्टर्स की होती है, कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कैग, स्टेट मिनिस्टर्स, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। फर्स्ट इज फॉर्म ऑफ ऑथ ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन। यस अभी हमने कहा कि मिनिस्टर्स होते हैं इसमें यूनियन के लिए, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड इज फॉर्म ऑफ ऑथ टू बी मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी करेक्ट है। अभी हमने बोला था कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए भी होता है। थर्ड इज फॉर्म ऑफ ऑथ ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नो, 3rd schedule में प्रेजिडेंट के लिए नहीं होता है, तो 3rd option इज इनकरेक्ट। फोर्थ वन इज फॉर्म ऑफ ऑथ टू बी मेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यस अभी हमने डिस्कस किया था इसके लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी होता है, तो 3rd option नहीं है, तो 3rd option ओनली सी में नहीं है। हमारा आंसर होगा ये 1, 2 and 4। तो सारे स्केड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने 12th schedule के सारे याद रखने हैं कि कौन से स्केड्यूल में क्या दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव्स 11-headed बोधिसत्व इमेज इज डिपिक्टेड। आपको बताना है कौन सी रॉक कट केव में 11-headed बोधिसत्व इमेज जो है वो मिली है। ए अजंता, बी अलोरा, सी कन्हेरी या डी कार्ले। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी कन्हेरी। कन्हेरी केव जो है वो मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में है। तो जो केव नंबर 41 है उसके एंट्रेंस पे 11-headed बोधिसत्व इमेज जो है वो डिपिक्ट की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल्स अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी एंड ड्रू सिंपैथेटिक कमेंट्स फ्रॉम अल्बर्ट आइंस्टाइन, एचजी वेल्स, हैरोल्ड लास्की, रूजवेल्ट इन फेवर ऑफ द कॉन्विक्ट्स। आपको बताना है जो नीचे ट्रायल्स दिए गए हैं उनमें से कौन से ट्रायल ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी को और सिंपैथेटिक कमेंट्स आए थे, कहाँ से, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एचजी वेल्स, हैरोल्ड लास्की या फिर रूजवेल्ट के थ्रू। तो इसके ऑप्शंस हैं INA ट्रायल, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस।
मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस जो था वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल कोर्ट केस था इन द ब्रिटिश इंडिया में, ये मार्च 29 से शुरू हुआ था और जिसको डिसाइड किया गया था इन 1933 में। इसमें बहुत सारे ट्रेड यूनियनिस्ट जिसमें कि इंग्लिश मैन भी इंक्लूडेड थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। किसके लिए? चार्जेस लगे थे फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंडियन रेलवे स्ट्राइक। और इसमें लीडर्स जैसे कि एस ए दांगे, पी सी जोशी, शौकत उस्मानी एट्सेट्रा को अरेस्ट कर लिया गया था। बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इसमें कॉम्युनिज्म को क्रश करना चाहती थी इंडिया में। तो इसका जो अट्रैक्शन थी इस ट्रायल की वो वर्ल्ड वाइड अट्रैक्शन थी और जिसकी वजह से कॉन्विक्ट्स के फेवर में अल्बर्ट आइंस्टाइन, वेल्स एट्सेट्रा के सिंपैथेटिक कमेंट्स भी आए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा? मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। वन साइड पे आपको माउंटेन पास दिए गए हैं और बताया गया है कौन सी स्टेट से वो बिलोंग करते हैं। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला मेघालय में, जोजिला जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है नाथुला। नाथुला कहाँ पे है? सब जानते हैं, इम्पोर्टेंट है बहुत। ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। और ये इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम को किससे कनेक्ट करता है? चाइना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को। बाकी भी आपको याद रखने हैं, शिपकिला हिमाचल में है, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में और जोजिला जे एंड के में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्ज कॉफी प्लांटेशंस इन ब्राजील आर कॉल्ड। ब्राजील में लार्ज कॉफी प्लांटेशंस को क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, फेजेंडास। लार्ज कॉफी प्लांटेशंस को फेजेंडास भी कहा जाता है। चलिए आज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल फिर हम नए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट।